नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजेश कुमार तिवारी आप सभी के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर सेंट्रॉयड लेके आ रहे हैं। इसको हमने दो लेक्चर में पहले कर रखा है। बेसिक सेंट्रॉयड क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सबको हमने डिटेल में कराया। आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा भी होगा। अब आज के लेक्चर में हम सब लोग क्या करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक शेप के सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड को समझेंगे, रटना भी पड़ेगा और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब लोग सीखें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग सीखें और लोगों में फैलाएं, इसको शेयर भी करते रहें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो हम सब लोग आज के लेक्चर में देखते हैं, कुछ टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ आपको क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। देखिए ये पहले है सेंट्रॉयड ऑफ वॉल्यूम। सॉलिड है तो वॉल्यूम होगा। अगर कोई सॉलिड सर्फेस जैसे बॉल है, सर्किल नहीं, बॉल है सर्किल नहीं, तो वॉल्यूम के केस में आप सब लोग सॉलिड जितने भी होंगे, चाहे वो छोटी सी गोली कंचा हो चाहे फुटबॉल हो, ठीक है, तो सब एक वॉल्यूम, एक आयतन घेर रहे होंगे। उसके केस में हम सब लोग पढ़ने वाले, या फिर पेंट का डिब्बा मान लीजिए, पेंट का आपका डिब्बा मान लीजिए, लोटा मान लिया, लोटा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये वॉल्यूम घेरेगा, ये क्या करेगा, वॉल्यूम घेरेगा। बात समझ में आ रही? तो उसके कुछ शेप के आपको स्टैंडर्ड रटे होने चाहिए, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा? देखिए क्रॉस सेक्शन तो ये सर्किल है, इसका कहीं भी काटिए कहीं पर क्रॉस सेक्शन, अगर तिरछा काटेंगे तब सर्किल नहीं मिलेगा, ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे तब सर्किल नहीं मिलेगा। लेकिन इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई सेक्शन कट करें तो एक सर्कल मिलेगा। सर्कल का सेंटर तो सेंटर होगा ही, अगर हाइट एच है, अगर हाइट क्या है एच है, तो ये आपका बीचों बीच में एच बाई टू पर होगा। कहां पर होगा, एच बाई टू पे, लेकिन कहां पर, सेंटर ऑफ सर्किल, यहां पर भी तो आपका क्रॉस सेक्शन सर्किल ही होगा, यहां पर भी क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्किल, तो यहां सेंटर में एच बाई टू हाइट पर होगा, याद कर लीजिए पूरा, एच बाई टू। सेंट्रॉइड कहां होगा, चाहे इस साइड से नापिए और चाहे इस साइड से, दोनों तरफ से एच बाई टू होगा। अगर इसका वॉल्यूम की बात करें तो ध्यान रखिए, किसी भी शेप का वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, ये ऐसे शेप, ऐसे ये आपका प्रिज्म है, पीछे की तरफ ट्रायंगुलर प्रिज्म मान ली ऐसे, तो जब भी आप इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो एक ऐसे इसका सरफेस का एरिया निकालें, इसका एरिया जो भी एरिया आए, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, एक बटे दो आधा गुणे ऊंचाई, इसका एरिया निकालें और ये हाइट, ये आपकी हाइट, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, जो भी ये एरिया आएगा जिसको हम सेट कर रहे हैं, देख लीजिए, तो ये जो आपका एरिया है, इसका एरिया और इसकी जो भी लेंथ होगी, एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम। ऐसे अगर ये सर्कल है, ये सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और h हाइट है तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h, ये क्या हो गया, वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम। ऐसे कोन है, याद रखिएगा ये सॉलिड कोन है, हॉलो कोन का केस अलग होता है, खोखली, जो खोखला मतलब टोपी होता तो बर्थडे वाला टोपी, लेकिन नहीं, ये भरतू है, ये पूरा लट्टू है, पूरा पूरा भरा हुआ मटेरियल, तो आपका सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन के केस में क्या होगा, h बाई फोर हाइट पर होगा, बेस से, बेस से कितना होगा, बॉटम से जो एक का सर्कल, जैसे आधार से, अब ऐसे तो उल्टा नहीं खड़ा करोगे ना, आधार से h बाई फोर डिस्टेंस पर होगा और यहां से क्या होगा, थ्री एच बाई फोर डिस्टेंस, ये आपका h बाई फोर और ये क्या होगा, थ्री एच बाई फोर डिस्टेंस पर होगा। तो अभी अगर कोई आपके सिर से पूछे भाई, तो सेंट्रॉइड तो फिक्स है ना, सेंट्रॉइड तो फिक्स है, लेकिन नीचे से पूछेंगे तो आंसर h बाई फोर, बेस से h बाई, और h क्या है, हाइट, h क्या है, हाइट। अब देखिए ये h बाई फोर बॉटम से और यहां से थ्री एच बाई फोर, याद रखिएगा पूरा। अब ये जो सर्कल है, सर्कुलर, इसका भी क्रॉस सेक्शन है, पर हर जगह सर्कल की साइज सेम
नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट तब नहीं लगाएंगे। अगर ये यूनिफॉर्म है तो हर जगह क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, हर जगह क्रॉस सेक्शन क्या है यूनिफॉर्म है, तो उस किस सिचुएशन में ए इंटू एल वॉल्यूम उस समय क्या होगा ए इंटू एल, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ए इंटू एल नहीं होगा। इसमें आपका ये सर्किल छोटा होगा तो यहां इंटू एल नहीं, तो यहां पे पाई आर स्क्वायर बाई थ्री वन थर्ड हो जाता, पाई आर स्क्वायर बाई थ्री इंटू एच, एच क्या है हाइट, याद रहेगा ना सबको, एच बाई टू एच बाई फोर क्या है सॉलिड कोन, ये हॉलो कोन होता तो एच बाई थ्री पर होता, बात समझ में आ रही। तो खैर आगे बढ़ते हैं, स्फेयर ये सर्किल नहीं गोला है, गोला चारों तरफ से भरा हुआ ऐसे ऐसे, इसके जो बीचों बीच में होगा तो सेंट्रॉइड वही एकदम बीचों बीच में होगा। सरफेस से पूछे तो आर दूरी पर, अगर कोई सरफेस से पूछे तो कितनी दूरी पर आर दूरी पर, तो सेंट्रॉइड इसके सेंटर पर होगा और वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब बाई थ्री होता है, 4 पाई बाई थ्री आर क्यूब पता है ना, 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब ही आपको वॉल्यूम पहले से मालूम। हेमिस्फीयर आधा है, ये क्या है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है। अब अगर हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, 2 पाई बाई थ्री आर क्यूब वॉल्यूम तो आधा हो जाएगा। अब इसका जो होता है सेंट्रॉयड वो बेस से ऐसे तो यहां सेंटर, अब सेंट्रॉयड यहां तो नहीं रहेगा क्योंकि इधर का तो मेटेरियल गायब हो गया, इधर का मेटेरियल गायब हो गया तो थोड़ा ऊपर जाएगा, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो कन्फर्म है कि इसी पर होगा, कितना ऊपर होगा 3r बाई एट। इंपॉर्टेंट ये नहीं रटना, कोई जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते रहिएगा, इसको भी याद जनरली सबको याद भी होता है, सॉलिड कोन का याद रखिएगा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। h बाई फोर लोग h बाई थ्री करके गलत करके आ जाते, ट्रायंगल दिखता है ट्रायंगल एच बाई थ्री का नहीं एच बाई फोर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिज्म का केस, अब भाई ये प्रिज्म ऐसे ट्रायंगुलर भी हो सकता है, आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है तो यहां पर जो इसकी साइड होगी वो क्या एस एस है तो एस स्क्वायर, ये एरिया कितना हो गया एस स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा एस स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम क्या होगा एस स्क्वायर इंटू एच, और ये हाइट कितनी दूरी पर है एच बाई टू, और कितनी दूरी पर है एच बाई टू, एच बाई टू एच बाई टू दूरी पर है। क्लियर हो गया सब लोग को, समझ में आ गया, तो हाइट आपको h बाई टू और यहां पर ये एरिया जो अब इसका डायमेंशन a दिया होता तो स्क्वायर का एरिया क्या होता a इंटू a स्क्वायर, ऐसे यहां पर s s दिया तो s स्क्वायर इंटू h, तो इसको भी आप ध्यान रखिए, खैर आपको याद होगा ये ठीक है। तो हेमिस्फीयर का उतना नहीं पूछा जाता, 3r बाई एट अगर याद कर सकते तो अच्छी बात। रेक्टेंगल, अब एरिया पर हम आते हैं, वॉल्यूम हो गया अब क्या है एरिया, टू डायमेंशनल एरिया पर, तो रेक्टेंगल अगर है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा अगर ये ए है तो ए इंटू एच, किसी दिन एरिया वॉल्यूम पर भी बहुत डिटेल लेक्चर कर दी पर अभी इतना तो आपको याद है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ए इंटू एच, कहां से सर यहां इधर से a बाई टू और यहां से h बाई टू, तो इसका कोऑर्डिनेट यहां पे क्या होगा a बाई टू कॉमा एच बाई टू, अगर ये रेफरेंस है, कभी कभी कोऑर्डिनेट यहीं से ले लेंगे भाई तो ये जीरो जीरो होगा, लेकिन हाँ अभी जो गिवन रेफरेंस है उसके हिसाब से a बाई टू एक्स और y क्या होगा h बाई टू, a बाई टू एच बाई टू, क्लियर रहेगा। ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ध्यान रखिए बेस से एच बाई थ्री दूरी, तो अगर इधर से गए तो एच बाई थ्री दूरी, इधर से भी तो एच बाई थ्री, तो अगर ये बी है तो ये बी बाई थ्री होगा, अगर ये एच है तो ये क्या होगा एच बाई थ्री, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें तो होगा बी बाई थ्री जो एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एच बाई थ्री, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एच बाई थ्री, क्लियर है। एरिया की बात करें तो एरिया इसका आएगा 1 बाई टू बी इंटू एच, 1 बाई टू बी इंटू एच, क्लियर है। अब ऐसे आइसोस्केल, आइसोस्केलस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु हो या फिर समबाहु हो, तो आइसोस्केल आइसोस्केल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में बेस से, अब यहां से सिमेट्रिक होगा भाई, इसके अबाउट, इसके अबाउट सिमेट्रिक एक ही जैसा दिखेगा, तो इसके अबाउट ये यहां परपेंडिकुलर होगा,
ये बेस से कितनी सिमेट्रिक है, तो इसी पर होगा कितनी दूरी पर, h by 3, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, h by 3। ये कहां से, बेस से h by 3, सॉलिड कोन में, सॉलिड कोन में h by 4 था, याद रखिएगा h by 3। ऐसे यहां पर अगर हम बात करें तो यहां से ये h by 3, हाइट इसकी क्या होगी h by 3, हाइट इसकी क्या होगी h by 3, हमेशा बेस से हाइट जो होगी h by 3, क्लियर है। बेस से हमेशा, यहां पे बेस से हाइट जो होगी, अगर वो पूरा एच है तो ये क्या होगा एच बाई थ्री, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, चलो भाई आगे बढ़ो, तो याद रखिएगा। अब सेमी सर्किल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट, इसका एरिया अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर तो पूरा होता है, आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू, ये क्या होगा एरिया। लेकिन अगर हम इसका सेंट्रॉइड पूछें तो सेंट्रॉइड आपका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 4r/3π, 4 यहां से कितना दूर पर, 4r/3π। इसी एक्सिस पर क्यों, क्योंकि इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा उसी पर सेंट्रोइड होगा। सिमेट्रिक एक्सिस अगर दो होते हैं तो दोनों के कटान बिंदु, यहां पर यही सिमेट्रिक, इसके इस पार भी वही है, उस पार भी वही है, तो यहां पर क्या आ गया 4r/3π, जो इस पार दिखेगा जो आगे वही पीछे दिख रहा है, इसलिए सिमेट्रिक, तो 4r/3π, याद रखिएगा। आर क्या है, रेडियस, 4r/3π। ऐसे इसमें अगर बात करें तो यहां पर जैसे ये आर क्या है, ये क्वार्टर सर्किल, पौवा सर्किल है, ये क्वार्टर सर्किल, पौवा बाई 1/4, तो टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 1/4 हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, पौवा जो होता है वह 4 हो गया 1/4, ठीक है। तो ये पौवा समझते हैं ना, एक पाव दूध का मतलब 250 ग्राम वाला, तो वही है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इसके बीच से ये सिमेट्रिक है, ये इससे 45 डिग्री पर क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है, 45 डिग्री पर ये सिमेट्रिक अगर है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे, 4r/3π इधर से और 4r/3π इधर से, तो कोऑर्डिनेट जो आएगा एक्स कॉमा वाई ये होगा 4r/3π कॉमा 4r/3π, 45 डिग्री के लाइन पर एक्स और वाई दोनों का मान समान होता है, क्योंकि ये 45 डिग्री के लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसी पर सेंट्रोइड होगा, कितना दूर होगा, 4r/3π इधर से, 4r/3π इधर से, तो कोऑर्डिनेट आपका आ गया 4r/3π और 4r/3π, क्लियर है। आगे बढ़े, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेमी सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर अगर कोई आपका कोई एक ऐसे सर्कुलर सेक्टर हो, सेक्टर छोटा सा टुकड़ा हो, जैसे ऐसे सर्किल था और गए इतना काट के ले आए, घर पे चुरा के ले आए, सोने का था, ठीक है, इतना आप इसको चुरा लाए, इसका सेक्टर का सेंट्रोइड, इस सेक्टर का बड़े वाले का बड़े के फार्मूले से लगाएंगे, इस सेक्टर का सेंट्रोइड यहां इसका जो बीचों बीच है उसी में तो होगा, ये तो कंफर्म, सर इसी बीचों बीच पर होगा, कितना दूर, यहां से कितना दूर, यहां से 2r/3α, याद कर सकें तो याद करें, अल्फा क्या है, सेमी एंगल, फुल नहीं, फुल क्या है 2α, अगर 60 डिग्री है तो अल्फा 30 डिग्री रखेंगे, पूरा अगर 60 है तो ध्यान रखिएगा 2r/3α और अल्फा यहां पर अल्फा किस में होना चाहिए, रेडियन में, ध्यान रखिएगा अल्फा किस में, डिग्री में नहीं, हिसाब से बात करके बैठे हैं, इसमें 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3 रेडियन, तो पाई बाई 3 आप रखें, अल्फा इसमें रेडियन में होना चाहिए, एरिया आपका जो ar2। अब एरिया इसका अगर बात करें तो टोटल होता है अल्फा, यहां पे 2α होना चाहिए, टोटल होता 2π, क्या होगा टोटल एरिया, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, 360 घूमने पर एरिया मिलता है पाई आर स्क्वायर, 2π घूमने पर एरिया मिलता है पाई आर स्क्वायर, तो 2α घूमने पर एरिया मिलेगा अल्फा आर स्क्वायर, कितना एरिया मिलेगा
अल्फा आर स्क्वायर, तो इसका एरिया भी थोड़ा ध्यान रखिए। अरे कोई बहुत कठिन चीज नहीं है यार, टोटल सर्किल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और एंगल होता है 2 पाई। अब इसी में काट लाई इतना, कितना काट के लाए 2 अल्फा काट के लाए, इसका एरिया बताओ। इतना आसान है, इसका एरिया क्या होगा 2 अल्फा, तो ये होगा अल्फा आर स्क्वायर। बसरते अल्फा किस में होना चाहिए, रेडियन में। बसरते बस जब आपका 2 अल्फा होगा तब अल्फा आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई था तब पाई आर स्क्वायर था, तो ये आपका अल्फा रेडियन में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया आपका अल्फा आर स्क्वायर और ये आपका यहां से कितनी दूरी पर 2r sin α / 3α। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपके नॉर्मल केसेस में नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4r / 3π, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 4r / 3π, याद रखिएगा ठीक है। अब ऐसे लाइन की बात आ जाए, लाइन हमने वॉल्यूम किया एरिया किया तो लाइन भी तो करना पड़ेगा। लाइन की बात करें तो कोई एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन ऐसे जिसका लेंथ एल है, तो सर बीचों बीच में ही तो होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा L/2, 0, क्योंकि तो वाई तो 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा L/2, 0। ऐसे ही आपका रिंग है पूरा भरा हुआ होता तब एरिया की बात होती, तब उस समय आपका सेंट्रोइड 4r / 3π। लेकिन आर्क है, एक ऐसे पतला सा रिंग है, ऐसे पतला सा एक पतली सी लेंथ है, तो इसका जो होता है वो 2r/π होता, 4r नहीं, कितना होता है 2r/π, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 4r/3π तब जब एरिया हो, जब लेंथ हो तो 2r/π। खैर इतना याद करने की जरूरत नहीं है, एरिया का ही केस ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन अगर लेंथ का पूछे तो 2r/π क्लैरिटी जरूर रखिएगा। इसमें भी आप देखेंगे वही सिमेट्री, सिमेट्री के कारण इधर से भी 2r/π, इधर से भी 2r/3π नहीं है, 2r/π है, वो 4r/3π होता था, तो 2r/π क्लियर रहेगा, याद रहेगा ना। तो इसकी लेंथ कितनी होगी आप बताइए, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी पाई आर, क्योंकि पूरा होता तो 2πr, आधा है तो पाई आर, आधा है तो पाई आर। और यहां पर अगर हम, अरे कुल मिला जुला के भैया ये कोण, चाप बराबर कोण बटे क्या होगा, चाप बराबर क्या होगा कोण इंटू त्रिज्या, यही तो होगा कोण इंटू त्रिज्या। अरे भाई कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, कितना कोण पाई कोण, कितना कोण पाई कोण, तो पाई इंटू आर, इसकी लंबाई हो गई पाई इंटू आर। इसकी लंबाई क्या होगी, तो कोण है 2α, कोण कितना है 2α और क्या हो गया आर, कोण इंटू त्रिज्या, तो ये आपका 2α आर हो गया। ऐसे यहां दूरी कितनी है r sin α / α और यहां पे था 2r sin α / 3α। ये ध्यान रखिएगा, जब आपका आर्क होगा एक पतली सी लंबाई होगी तो r sin α / α, जब पूरा एरिया होगा तो क्या होगा 2r sin α / 3α, 2r sin α / 3α, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका r sin α / α। आगे बढ़े ठीक है, तो अब आगे इस क्वेश्चन, अब इतना आपको याद रखना ही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको कराई हैं जो आपको याद ही रखना है। अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर लंबी, पूरी लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लंबी 200 ग्राम की एक समान छड़, 200 ग्राम, अब 100 है तो 50 पर बीचों बीच में 200 ग्राम लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। 50 कहां है भाई, 50 हम लोग देखते हैं कहां पर है, तो 50 पर आपका, क्योंकि 100 की लंबाई है तो 50 पर आपका 200 ग्राम लगेगा, 50 सेंटीमीटर पर क्या होगा 200 ग्राम का भार लगेगा। 200 ग्राम भार की एक सिरे से 15, 25, 40, 60
एक सिरे से ए से मान लिया 15, 25, 40, 60 साठ यहां पे है, 50 से ज्यादा 60, 18 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम और 30 ग्राम के भार रखी। अब कुछ नहीं है भाई, एक डंडा था, उस डंडे का भार तो खुद का भार है, बीचों बीच में लगेगा 200 ग्राम का, खुद का भार 200 ग्राम का है, बीचों बीच में लगेगा। आप यहां पे आलू लटका लिए, यहां पे कुछ और लटका लिए, कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर पर 18 ग्राम का आलू, ठीक है रे, बहुत कम हो गया, कोई और चीज होगा, 20 ग्राम का है, 20 ग्राम का आपने लटका लिया, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर पर, ऐसे आप सॉरी 25 सेंटीमीटर, फिर ऐसे 40 सेंटीमीटर आप कुछ और 25 ग्राम का कुछ और लटका लिए, 18 ग्राम का, 20 ग्राम का, 25 ग्राम का और 30 ग्राम का, सब आप लटका लिए। ये तो दिखाया गया भार, चार ही तो लटकाए हैं और सेल्फ वेट कुल मिला के हो गया 5, चार आपने लटकाया तो सेल्फ वेट कुल मिला के क्या हो गया, 5। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन, निहायत ही आसान क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। 100 सेंटीमीटर लंबा एक रॉड है जिसका भार एक समान है, यहां पर 200 ग्राम का लग रहा है, 200 ग्राम का भार है एक समान, 15 25 40 60 पर क्रमशः 18 20 25 30 लग रहा है, छड़कों किस बिंदु पर संतुलित हो। देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दो, सेंटर ऑफ मास बता दो, उसने कहा कि पूरा रॉड किस बिंदु पर संतुलित होगा। अब ध्यान दीजिए, इन सारे वेट को जिस पॉइंट पर लगता हुआ मान सकते हैं, उसी पर अगर हम जो भी आए हमें नहीं मालूम क्या आने वाला, उसी पर हम जस्ट उल्टा फोर्स लगा दें तो सिस्टम संतुलित हो जाएगा। समझ में आया, इन सब का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ वेट, क्योंकि जी हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं, तो सेंटर ऑफ वेट जहां पर होगा, जहां लगेगा, इन सब का परिणामी जहां लगेगा वहां पर परिणामी के विरुद्ध एक बल कितना, परिणामी के बराबर इक्वल अपोजिट कोलिनियर फोर्स लगा, जिसको हम इक्विवेरेंट कहते हैं। इक्विवेरेंट जो आपका था वो क्या था, रिजल्टेंट का जस्ट इक्वल अपोजिट और कोलिनियर था। इक्विवेरेंट जो है, इक्विवेरेंट के केस में आपको ये समझना पहले रिजल्टेंट होगा कहां भाई, तो रिजल्टेंट कहां होगा, तो पहले अगर टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाए तो रिजल्टेंट सब कोई नीचे 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 18 20 25 200 रॉड का है, 200 रॉड का है प्लस 30, ये ग्राम है इनटू जी, हम ग्राम में ही रहने दे रहे हैं, नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इतना तो रिजल्टेंट फोर्स होगा, कितना होगा, 20 10 30 38, चलो पहले 30 20 50 75, 30 20 50 और 30 75 93, 293 जी, कोई दिक्कत है क्या। अरे भाई 30 20 50 और 20 75 25 सॉरी 50 25 75 और 8 83 93, 293 जी हो गया, ये रिजल्टेंट फोर्स है। अब बेरिंग नान, अब कुछ नहीं करना, बेरिंग नान या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां पर हम एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे, A1 X1 मतलब 18 गुड़े 15, ये रिजल्टेंट भी निकालने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद क्या है, 20 गुड़े 25, अरे भाई 20 ए से रेफरेंस मान की सारी चीजें बता रहे हैं, A1 X1 A2 X2 20, A3 X3 कितना हुआ, 25 गुड़े 40, A4 X4 200 गुड़े 50, और उसके बाद क्या है, 30 गुड़े 60, ये हो गया, बट्टे क्या करेंगे, 293। बात समझ में आ रही, A1 18 गुड़े 15 20 गुड़े 25, फिर 25 गुड़े 40, इसके बाद क्या हुआ, 200 गुड़े 50 और 30 गुड़े 60, बटे टोटल 293। अब जी भी मत, सब में जी गुड़ा करते, चलो भाई जी सब में गुड़ा करते, जी कट जाएगा। तो अब इसको समझ में आया आपको, तो आप बता देंगे कि कहां पर टोटल वेट लग रहा है
अगर वहां पर आप उसके इक्वल अपोजिट फोर्स लगा दें तो वह इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसको बैलेंस कर सकते। वही पूछा गया था कि छड़ को किस बिंदु पर इक्विलिब्रियम संतुलित कर सकते। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको थोड़ा क्लियर आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं करना था। x बार इक्वल टू 18 × 15 पहला वाला, x1 पहला वाला, दूसरा वाला क्या है 20 × 25, तीसरा वाला क्या है 25 × 25 भार है, गुड़े कितना 40 प्लस क्या है 50 × 200 भार है, कितनी दूरी 50 प्लस 30 × 60 प्लस 30 × 7 कितना हुआ, तो 18 × 20 × 25 × 200 × 30 इतना क्या सेंटीमीटर। तो x बार आपका निकल जाएगा, कैलकुलेशन कर लोगे ना, गुणा भाग कर लीजिएगा, x बार जो आएगा उतना सेंटीमीटर। उस पर अगर हम इतना उसके जस्ट रिजल्टेंट के इक्वल अपोजिट फोर्स लगा दें तो ये संतुलन, ये पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। अब ध्यान रखिए, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, देखते ही बहुत कुछ क्लियर होता है। सर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो इसके बेस से बस हमें हाइट बता देना कहां होगा, वाई बताना है, वाई बार बताना है, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट ये क्या है सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट ये क्या है सिमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस पर होगा, वाई बार बताना है। कितना आसान क्वेश्चन, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो वाई बार इक्वल टू ए वन क्या होगा 10 × 2, ये एरिया है 10 × 2, लंबाई × चौड़ाई, ये एरिया है, पहला एरिया हमने किया। अब बताइए इसका अगर हम बेस से सेंट्रोइड पूछें तो 10 का आधा क्या होगा 5, 10 का आधा क्या होगा 10 का आधा आपका क्या होगा 5, तो 10 के आधे 5 पर हम सब लोग आके यहां बता दिए, ये यहां पर 5 होगा, तो A1 10 × 2 और Y1 क्या 5 प्लस जोड़ रहे हैं, दूसरा क्या है 12 × 2, ये एरिया है, 12 × 2 क्या है एरिया है, कितनी दूरी पर होगा सर 10 और एक और क्योंकि 2 का आधा 1 भाई, यहां भी यहीं पर तो इसका सेंट्रोइड होगा, तो कुछ नहीं था भाई 10 × 1, 10 और 1 क्या हो गया 11, नापेगे हमेशा तो यहीं से, तो इसका तो 5 हो गया, इसका आधा 10 का आधा क्या हो गया 5। इसके लिए आप 10 तो पहले चलोगे, एक और क्योंकि 2 का आधा 1, तो 10 और 1 11, तो A2Y2 ठीक है। अब इसके बाद A1 तो 10 × 2 और A2 क्या है 12 × 2, इतना क्या सेंटीमीटर हो गया। अरे भाई ये जो ऐसे था, इसका ऐसी सिचुएशन थी, ये 10 था, तो इसका सेंट्रोइड यहां से क्या होगा 5 Y1, लेकिन इसका सेंट्रोइड अगर नापोगे, इसका सेंट्रोइड तो 10 तो चलना ही चलना है प्लस एक और चलना है, तो 10 × 11 इतना सेंटीमीटर, तो वाई बार आएगा 10 × 20 = 25 = 100 और 12 × 24 = 11 24 × 11 और ये क्या होगा 20 और ये क्या होगा 24 और क्या होगा सेंटीमीटर, तो वाई बार आप निकाल लीजिए, वाई बार तो निकाल लोगे ना, गुणा भाग कर लेना, आंसर पता चल जाएगा, सेंट्रोइड आप बता दोगे सर इस एक्सिस पर होगा और बॉटम से इतनी दूरी पर, बॉटम से दूरी, टॉप से पूछेंगे तो 12 में से घटाना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल दूरी 12 है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, हम निकालते ही नीचे से हैं, क्वेश्चन ऊपर से पूछ लेता है, ये तो ये नहीं बता पाओगे यार, पूरा 12 है यार, पूरा 12 है, उसमें वाई बार घटा दो, पूरा 12 वाई बार घटा दो, तो वाई बार घटा देने पे आपको आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बॉटम से सारे आंसर्स होंगे। आगे बढ़े, जो भी रेफरेंस नापा गया है वो बॉटम से ही है। अगला क्वेश्चन, वर्ग की एक भुजा पर
वर्ग की एक भुजा पर, कोई एक वर्ग है जिसका 2a 2a है, 2a 2a है, वर्ग की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज की रचना की गई, समबाहु 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 त्रिभुज की रचना की गई है। इस वर्ग तथा त्रिभुज से बने समपटल का गुरुत्व केंद्र बताइए, इसका गुरुत्व केंद्र बताना है। एक कोई स्क्वायर है, उसके ऊपर एक क्या कर दिया, ट्रायंगल बना दिया गया, पर ये ट्रायंगल समबाहु है, ये उन्होंने बताया इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में सारे क्या है, बराबर है, सारी भुजाएं तीन भुजाएं से गिरी आके तीन भुजाएं तीनों बराबर, और ये वर्ग है, इसका सेंट्रोइड आपको निकालना है। अब इसका अगर सेंट्रोइड निकालना कुछ नहीं सर, इसको वन मान लो, इसको टू मान लो। जब ये समबाहु है तो इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, तुरंत आप देखिए कोई भी सिमेट्रिक एक्सिस दिखे तो वो बड़ा काम का है। अगर कोई सिमेट्रिक एक्सिस दिखे बहुत ही काम का है, इसलिए क्योंकि उस पर ही सेंट्रोइड होगा। अब ये सिमेट्रिक एक्सिस है, बॉटम से सारा रेफरेंस मान ले रहे हैं कि बॉटम से कैलकुलेशन करें, इसी पर होगा, इसी पर होगा, कहीं पर इसी पर होगा वाई बार। अब निकालिए तो वाई बार क्या होगा, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू, दो ही लोग हैं, और अपान ए वन प्लस ए टू। ए वन मालूम है क्या, अलग अलग निकाल लो यार, बहुत आसान, ये फार्मूला है। A1 क्या होगा, 2a into 2a, तो क्या आ जाएगा 4a square A1, और y1 क्या होगा सर, अगर ये 2a है तो ये a दूरी पर होगा, ये क्या होगा a दूरी पर, ये तो आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। A2 की बात करें तो इसकी भुजा, तो अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगा, अगर ये 2a है तो ये भी क्या होगा 2a होगा। अब ध्यान दीजिए सर, इसकी भुजा एरिया कैसे निकालें, तो समबाहु त्रिभुज का 1/2 आधार तो 2a है, ऊंचाई नहीं मालूम, आधार 2a है पर ये ऊंचाई नहीं मालूम, तो ऊंचाई अब निकालना पड़ेगा भाई, ऊंचाई निकालना पड़ेगा सर। ये 2a है, ये 60 डिग्री होगा, ये क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब यहां से साइन 60 लगा दो, साइन 60 ये भी 2a है, तो साइन 60 क्या होगा h बाई 2a, साइन 60 अगर लगा दें तो h बाई क्या आएगा 2a। कैसे भैया कैसे, इसको थोड़ा जूम करके बना दे रहे हैं, ये ऐसे है, ये h है, ये h है, ये 60 डिग्री है, ये भी 2a है, तो साइन 60 लंब बटेकर, ये 90 के सामने लंब, तो साइन 60 जो आएगा वो क्या आएगा h बाई 2a, तो h इक्वल टू क्या आएगा a रूट थ्री। अरे भाई वो रूट थ्री बाई टू होता, टू टू कट जाएगा, तो h इक्वल टू a रूट थ्री, तो यहां से क्या आएगा a इंटू h, h क्या है a रूट थ्री, तो ये क्या आएगा रूट थ्री a स्क्वायर। a2 मालूम हो गया। अब हमें y2 से, अब देखिए y2 नहीं कि यहां से, अरे यहां से नापने लगे, जो कुछ नापा गया है बॉटम से, सारी चीजें बॉटम से, तो y1 था a, y2 के लिए 2a तो जाना ही है, और 2a बाई 3 भी, ये h बाई 3 भी जाना है, कितना h बाई 3 भी ऊपर जाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से इसको क्लियर कर दे रहे हैं इस वाले डायग्राम को। हमें y2 चाहिए, हमें क्या चाहिए y2 चाहिए, तो हमें अगर y2 चाहिए तो y2 यहां से चलेंगे ऐसे जाते जाएंगे, यहां वाला चाहिए, ये दूरी चाहिए, तो ये दूरी आपकी कितनी है, ये दूरी आपकी कितनी है h बाई 3, ये दूरी h बाई 3, और ये टोटल क्या है 2a, तो y2 जो होगा वो 2a प्लस h बाई 3, और 2a कितना 2a ही रहने दो, h कितना आया था a रूट 3, तो ये क्या आएगा a बाई रूट 3, नहीं समझ में आया, h जो आया a रूट 3, तो h बाई 3 क्या होगा, h बाई 3 होगा a रूट 3 बाई 3, तो ये आ जाएगा a बाई रूट 3, a बाई रूट 3, क्लियर है। तो अब फार्मूले में रख दीजिए, सब आपको मालूम है भैया, सब आपको y1 y2 सब मालूम,
लो आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो A1, A1 कितना है? 4A² Y1 क्या है? A। A2 कितना है? A2 कितना है? √3A² और Y2 कितना है? Y2 है 2A प्लस A बाई रूट 3। ध्यान दीजिएगा, Y2 जो आपका है वो क्या है, वो क्या है Y2 कितना है? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, 2A प्लस A बाई रूट 3। और आप फिर क्या नीचे लिखेंगे? A1 तो 4A² प्लस √3A² ये आपका फाइनल आंसर हो। फाइनल आंसर आप देख लीजिए, ए कट जाएगा और सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। इसको हम एक साथ फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं, क्या आएगा? y बार इक्वल टू 4a इंटू a, क्या आ गया? 4a क्यूब प्लस √3a³। ए बाहर ले लिए तो आया 2 प्लस 1 बाई रूट 3, और नीचे आएगा a² 4 प्लस √3। ये आपका फाइनल आंसर। क्या किया हमने? दो पार्ट में तोड़ा, ये हो गया 2a इंटू 2a² इसका एरिया हो गया, ए इसका सेंट्रोइड, तो इसका y1 ए हुआ, इसका y2 जो होगा वो 2a प्लस। अब जो नापना है एक्सिस नहीं कि अब बदल तुरंत ऊपर आ जाओ, एक्सिस तो पहले डिफाइन किए थे ना कि सर ये एक्स है और ये वाई है, जो नापेंगे यहीं से नापेंगे जो भी होगा। तो यहां से ए बाई मतलब 2a बाई 2 करोगे तो ए आ जाएगा, और यहां से आप जाओगे तो 2a प्लस h बाई 3, 2a प्लस h बाई 3, तो 2a और h बाई 3, तो h था √3, h था √3 वहां रख दिए तो a बाई √3 आ गया। a1 y1 a2 y2 अपान a1 प्लस a2। बात क्लियर है? सब लोग समझ गए होंगे, तो अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क रखिएगा। अ थिन होमोजीनियस सर्कुलर प्लेट, कोई एक पतला होमोजीनियस सेमी सर्कुलर प्लेट, कोई एक पतला क्या है? होमोजीनियस सेमी सर्कुलर प्लेट, पतला सा है, सेमी सर्कुलर अर्धवृत्तीय, ऑफ रेडियस आर, रेडियस क्या है? आर, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉर्नर ई। कोई भी रेडियस ऐसे ऐसे लटका दिए भैया, ऐसे ऐसे क्या किए? लटका दिए, एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगल मेड बाय इट्स स्ट्रेट एज AB, AB द्वारा वर्टिकल से, AB द्वारा किससे? वर्टिकल से बना कोण निकालिए, AB द्वारा किससे? वर्टिकल से। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो ऐसे कुछ होगा, और यहां जो वेट होगा, जो आपका वेट वो हमेशा सेंट्रॉइड पर लगेगा, सेंट्रॉइड पर, तो वेट तो हमेशा वर्टिकल ऐसे होगा ना। अब ये कितना, ये एंगल, ये तो वर्टिकल लाइन होगी, ये लाइन क्या होगी? वर्टिकल लाइन। यही एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक। क्या पूछा गया है? एंगल मेड बाय इट्स एज AB, और इधर की तरफ टेंशन होगा, आप जो लटकाए होंगे, खींच रहे होंगे, टेंशन जो होगा W के बराबर होगा, इक्वल अपोजिट कोलिनियर, इक्वल अपोजिट कोलिनियर, दो ही बल है, वेट है, टेंशन है, तो दोनों इक्वल अपोजिट कोलिनियर। ये बात समझ नहीं आई? अब अगर हम इसके सेंट्रॉइड यहां से पूछें, यहां से, तो ये दूरी हमें बहुत पहले रटा गया है सर, इतनी बार आप बता दिए रट गया, 4r/3π, और ये दूरी क्या है? रेडियस। बात समझ में आ रहा है ना? अरे भाई लटकाए ऐसे सीधा सीधा लटक गया, ये दूरी क्या है? रेडियस। ये दूरी रेडियस है, ये है 4r/centroid, क्योंकि बेस से जो आपका एज होगा उससे 4r/3π। अब यहां से आधार पता है, लंब पता है, क्या लगाएं? tan θ, क्या लगाएं? tan θ, तो tan θ में लंब क्या होगा? लंब क्या होगा? 4r/3π।
लंब क्या होगा 4r अपान 3π, और आधार क्या होगा r। आधार कितना आसान क्वेश्चन था, कोई भी सेमी सर्कुलर प्लेट था उसको एक कोनिस पकड़े कान पकड़े उठा लिए, तो उठा लिए तो इसका W तो ऐसे नीचे लगेगा ना, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा, ये तिरछा हो जाएगा, कितना वर्टिकल से झुकेगा ये क्वेश्चन है। अगर सीधा करना चाहते हो तो इधर और दबाओ, बल लगाओ, नहीं दबा रहे तो ऐसे लटका रहेगा। तो थीटा, अब थीटा के लिए आप खुद बताइए, सर ये 90 डिग्री है, ये 4r अपॉन 3π है, ये r है, तो क्या होगा लंब बटे आधार 4r अपॉन 3π अपॉन r, r r कट जाएगा, तो यहां से आएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3π, रट लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट की पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 अपॉन 3π, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, 4 अपॉन 3π बहुत कम एंगल आएगा भाई, ये 3 × 9 4/10 आएगा 0.4, अरे भाई 3.14 मान लो, 10 मान लो यार, 3π क्या 10 मान लो, 3 × 9 10, तो 4/0.4, एक जब होता तो 45 होता, 0.4 है तो ये बहुत कम एंगल आएगा, बहुत कम एंगल आएगा, निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस है, उसको भी हम सब लोग सॉल्व करेंगे, अभी कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक थ्योरी आपको कराई है, सेंट्रॉइड के सारे लेक्चर डिटेल में देखिएगा, एक बार देख लेंगे भूलेंगे नहीं, बिना सेंट्रॉइड के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आप नहीं कर पाएंगे, और मैकेनिक्स तो दूर की बात है, सेंट्रॉइड तो पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले तो सीखे ही, इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं जो आपको सेंट्रॉइड बताती हैं, तो सेंट्रॉइड को आप डिटेल में पढ़ें, सिविल वाले बहुत डिटेल में पढ़ें, मैकेनिकल वाले भी दमदारी से पढ़ें, खूब अच्छे से सीखें, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन करने के तरीके सीखें। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, लाइक करना तो बनता है यार, वीडियो आप लाइक करें, आगे फिर हम ढेर सारे लेक्चर लाते रहेंगे आपके लिए, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।